भाजपना नेता अनिल एंटोनीए दावो कर्यो छे के छेल्ला घणा वर्षों में केरल में कट्टरवादी संगठनों वधारे जोवा मळ्या छे। केरल में कम्युनिटी पार्टी नुं शासन छे अने कोंग्रेस पार्टी अने मुस्लिम लीग ए बे अग्रणी पक्षो छे। जो के आ त्रणे पक्षो विपक्षी इंडिया गठबंधनना सहयोगी छे। केरल में हमास साथे संकळायेला व्यक्तिओए वर्च्युअल रीते विशाळ जनमेदनीने संबोधित करी हती। भाजपा तमाम प्रवृत्तिओने सख्त शब्दों में वखोड़े छे। छेल्ला केटलाय महिनाओमां एनआईए केरल में विविध तपास करी रही छे। फरी एक बार एनआईए पगलू भरवु पड़शे। राज्य सरकार पण आवी प्रवृत्तिओमां सामेल होवानो तेमणे आरोप लगाव्यो हतो। Right now Kerala is ruled by the Communist Party and the Congress Party and the Muslim League are both of them are two parties that are two prominent opposition parties. All three are part of this National India Alliance and the three parties are competing with each other to grow to support these radical extremists for their narrow vote bank politics. The PFI is a banned organization in India. But Kerala, we see a lot of open cells of the PFI. And once the conflict started in Israel, we are now seeing the dangers of what exactly this radical ideologies can do. इलेक्ट्रोरल बोंड योजनानी मान्यताने पड़कारती अरजी सुप्रीम कोर्टनी पांच जजोनी बेंच 31 ऑक्टोबरना रोज सुनावणी करी शके छे। इलेक्ट्रोरल बोंड स्कीम 2 जानेवारी 2018ना रोज जाहिर करवामां आवी हती। राजकीय भंडोरमां पारदर्शिता लावाना प्रयासना भागरूपे पक्षोने रोकड़दान विकल्प तरीके रजू करवामां आव्यो हतो। योजनानी जोगवाई प्रमाणे भारतीय नागरिकत्व धरावती व्यक्ति अथवा भारतमां स्थापित संस्था द्वारा इलेक्ट्रोरल बोंड खरीदी शकाय छे। कोई व्यक्ति तेने एकलता अथवा अन्य व्यक्तिओ साथे संयुक्त रीते खरीदी शके छे। मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड़नी आगेवानी हेठळनी बेंचे चार अरजीओ पर सुनावणी करशे। जेमां कोंग्रेस नेता जया ठाकुर अने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट द्वारा दाखल करायेली अरजीओनो समावेश थाय छे। छत्तीसगढ़ना राजनांदगांवमां जाहेरसभाने संबोधता कोंग्रेस नेता राहुल गांधीए जणाव्यु छे कि प्रदेशना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साथे खेडूतो अने मजूरोनी मुलाकात करी छे। आ मुलाकात दरमियान खेडूतो अने जेमणे जणाव्यु हतुं कि सरकार तरफथी दर वर्षे अपाता 7000 रूपियानी रकम वधारवामां आवे। राज्यना सीएम साथे चर्चा कर्या बाद अमे निर्णय कर्यो छे ने राज्य सरकार दर वर्षे मजूरोने 7000नी जग्याए 10000 रूपिया चूकववामां आवशे। 5 वर्ष पहेला अमे छत्तीसगढ़ना लोकोने वचनो आप्या हता ए पूरा कर्या। सौथी मोटू वचन ए हतुं के लोन खेडूतोना देवा माफ करवामां आवशे। अमारी सरकार बनतानी साथे ज अमे छत्तीसगढ़ना खेडूतोना देवा माफ करी दीधा छे। जो प्रदेश में फरीवार अमारी सरकार बनशे तो अमे खेडूतोने कृषि देवा माफ करी देशो। छत्तीसगढ़ना खेडूतोए प्रति क्विंटल डांगर माटे 2500 रूपया मळता हता जेने हवे वधारीने 2640 करवामां आव्या छे। आज सुबह किसानों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई, मजदूरों ने हमें कहा बघेल जी को, साहू जी को, टीएस जी को मुझे कि 7000 रुपए थोड़ा कम है और हमने निर्णय ले लिया कि 7000 नहीं अब 10000 रुपए हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किसान, सारे किसानों को मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार हमने कर्जा माफी का वायदा किया था, वो वायदा हमने पूरा किया और इस बार भी हम कर्जा माफी का वायदा कर रहे हैं और हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगाव्यो छे कि वडाप्रधान मोदी ना नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था ने डिफॉल्टर काळा तरफ जई रही छे। एक समाचार अहेवाल ने टाकीने तेमणे जणाव्यु छे कि जाणी जोईने लोन न चुकवनार लोकोनुं देवुं वधी रह्युं छे। तेमणे सवाल कर्यो छे कि शुं आ वात साची नथी कि मार्च 2019ना बादथी बिल्कुल डिफॉल्टर्स लेना में दरोज 100 करोड़ रूपयानो वधारो थयो छे। शुं तमारी सरकार छेल्ला 9 नाणाकीय वर्ष में 14.56 लाख करोड़ ने एनपीएफ माफ करी नथी। खड़गे कह्युं छे कि ज्यारे निराश खेडूतो मदद मांगे छे त्यारे भाजप तेमने लोन माफ करवानो इनकार करे छे, परंतु ज्यारे धन कुबेर मित्रो लोन माफी मांगे छे त्यारे तमारी सरकार ने एक ज क्षण में आवुं करवानी फरज पड़े छे।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जणाव्युं छे कि प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अनेक नेताओं एमपी में जूठाणा फैलावे छे। तेमणे कह्युं छे कि प्रियंका गांधीए 100 जूठाणा पैकी एक बात साची कही थी कि कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ नेताओं अमेठी विकास कर्यो नथी, कांग्रेस विश्वास विकास में नहीं। दिग्विजय सिंह ज्यारे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री था त्यारे तेमणे प्रदेश ने बर्बाद करी नाख्यु हतु। ए समय मध्य प्रदेश में मार्ग वीजळी सहित कोई सुविधा उपलब्ध नहोती। विकासना कार्यो भाजपनी सरकार करे छे अने शिवराजे कह्युं छे कि भाजपनी सरकारे मध्य प्रदेश में विकास करी तेनी अग्रणी राज्योनी यादी में सामेल कर्युं छे। प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आके लगातार झूठ बोल रही थी, लेकिन 100 झूठों में एक तो सच बोला कि उनके स्वर्गीय पिताजी ने भी अमेठी का विकास नहीं किया, कांग्रेस का विश्वास विकास में नहीं है। जब श्रीमान बंटाधार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब मध्य प्रदेश को न तबाह और बर्बाद कर दिया था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, चारों तरफ केवल हाहाकार था कि कांग्रेस विकास नहीं करती, विकास केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है। मध्य प्रदेश विधानसभा की चूंटणी नजीक आ रही है त्यारे पक्ष में भंगाड़ना अहेवाल पर प्रतिक्रिया आपता दिग्विजय सिंह जणाव्युं छे कि तमाम मतदाता भाईओ अने बहेनोने विनंती करू छू कि तेओ कांग्रेसना नेताओमां भागला पाड़वाना भाजपना भ्रामक प्रचारोनो शिकार न बने। तेओने कहू छू कि कांग्रेस एकजूट छे। दिग्विजय सिंह कहू छे कि आपणे बधा साथे मळीने काम करीशुं अने भाजपने हराविशुं, जनशक्ति जीतशे, मनी पावर हारशे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ना नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनशे। दिग्विजय सिंह कहू छे कि हूँ 30 ऑक्टोबरे दतिया जई रह्यो छुं अने दतियामां नरोत्तम मिश्रा सामे लोकोमां रोष छे, हूँ त्यां जईश ने ज्यां कांग्रेस पार्टीना उम्मेदवारो उम्मेदवारी नोंधावशे त्यां हूँ तेमनी साथे होईश। जनता जे परिवर्तन इच्छे छे ते माटे अमे जनताने भ्रामक प्रचारथी दूर रहेवा अपील करीए छे। भाजप पोतानी मनी पावरनो उपयोग खोटा समाचार फैलावा अने छापवा माटे करी रही छे, आ तेमनी व्यूहरचना रही छे। राजस्थान विधानसभा की चूंटणी विषे बात करता केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशीए जणाव्युं छे कि धारासभ्यों ने खरीदवानी वात तद्दन खोटी छे अने पायाविहोणी छे। कांग्रेस तेनी निष्फळताना मुद्दाओ परथी ध्यान पटकावा माटे आवा आरोपो लगावी रही छे। राजस्थान चूंटणी भाजप पूर्ण बहुमत साथे जीतशे अने सरकार बनावशे। प्रदेशमां कांग्रेसनी स्थिति खूब ज खराब छे अने त्यां आंतरिक विखवाद पण छे। कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरणनी राजनीति करे छे। अमारा पक्षे 126 विधानसभा बैठक माटे उम्मेदवारोना नाम जाहेर कर्या અને આગામી સમયમાં વધુ 74 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરીશું। That I have already told in Canada, it's a bogus thing. If at all some MLA has to be posted, it should be more than 60, which is not. Basically, we are not doing it. We don't want to do it. Even otherwise also, we need 60-70 MLAs. They want to divert the attention because of their own infight and their own failure. That's why they are talking all this thing. This is a rubbish thing. We are going to win with more than 2/3 majority, and Congress is in a very precarious condition. Lot of infight is going on there also. And BJP, we have already announced 126 constituencies candidature. તેલંગણા વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી વધુ મજબૂત થઈ રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। બીઆરએસ અને ભાજપ કુલ 8 નેતા કોંગ્રેસમાં સામેલ થયા છે। તેલંગણા કોંગ્રેસમાં સામેલ થનાર લોકોમાં 2 દિવસ પહેલા ભાજપમાંથી રાજીનામું આપનાર કમોતી રેડ્ડી, રાજગોપાલ અને મટ્ટુ કુલકર્ણી નિરસુમા રાવનો સમાવેશ છે। બંને દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેની હાજરીમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીની સદસ્યતા લીધી છે। આ પ્રસંગે કોંગ્રેસ મહામંત્રી કેસી વેણુગોપાલ અને તેલંગણા પ્રભારી મણિકર રાવ ઠાકરે જણાવ્યું હતું કે તેલંગણા કોંગ્રેસમાં જોડાનાર અન્ય નેતાઓ પૂર્વ ધારાસભ્ય રેડ્ડી, પૂર્વ એમએલસી નેથી અને ભૂતપૂર્વ એમએલસીના નેતાઓ કપિલ દીપલ કુમાર અને નીલુ મધુ સામેલ છે। તેલંગણા કોંગ્રેસના નેતા જી નિરંજન અને એમ કોડુંગ રેડ્ડીએ એઆઈસીસી પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેને પત્ર લખીને રાજ્યમાં આગામી મહિને યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે જાહેર કરાયેલી પહેલી અને બીજી યાદીમાં કેટલાક ઉમેદવારોના નામ પર ફેરવિચારણા કરવાની રજૂઆત કરી છે। તેલંગણા પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના ઉપાધ્યક્ષ જી નિરંજન અને એઆઈસીસી કિસાન કોંગ્રેસ ઉપાધ્યક્ષ એમ રેડ્ડીએ પણ પત્રમાં દાવો કર્યો છે કે યાદીને લઈને
वरिष्ठ नेताओं में असंतोष की लागणी है। पत्र में कहेवामां आव्युं छे के पक्ष पलटो करीने पार्टी में आवनार लोकोनी जग्याए वर्षोथी पक्ष ने वफादार रहेनार उम्मीदवारों ने प्राथमिकता आपवामां आवशे। कांग्रेस पार्टी 15 ऑक्टोबर रोज 55 उम्मीदवारों की पहली यादी और 27 ऑक्टोबरे 45 उम्मीदवारों की सूचि जाहिर करी हती। कांग्रेस पार्टीए तेलंगाणा विधानसभा ने कुल 119 बैठक पैकी 100 बैठक माटे पोताना उम्मीदवारों नाम जाहिर कर्या छे। तेलंगाणा विधानसभा की चूंटणी पहला कांग्रेस ने मोटो झटको लाग्यो छे। तेलंगाणा कांग्रेस समिति लघुमती विभाग प्रमुख शेख अब्दुल्ला सोहेल तेमना पद और कांग्रेस प्राथमिक सदस्य पदे थी राजीनामु आप्युं छे। राजीनामु आप्या बाद तेमणे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवती रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाव्या हता। रेवती रेड्डी पर कांग्रेस करियाणानी दुकान में फेरवानो आरोप पण मुक्यो छे। तेमणे कह्युं छे के रेवती रेड्डीए पैसा माटे धनिक व्यक्तिओने पार्टीनी टिकिट वेची छे, ज्यारे पार्टीना वफादार कार्यकरने टिकिट आपवानो इनकार कर्यो हतो। साथे ज तेमणे भ्रष्टाचार अंगे राहुल अने सोनिया गांधीना मौन उपर पण आक्रोश व्यक्त कर्यो हतो। अहीं उल्लेखनीय छे के शेख अब्दुल्ला सोहेल तेलंगाणामां कांग्रेस पार्टीना कदावर नेता हता। तेमणे तेलंगाणा 2018 विधानसभानी चूंटणीमां सत्तारूढ़ बीआरएसए 88 बैठकों जीती हती, ज्यारे कांग्रेसे 19 बैठकों जीती हती। एआईएमआईएने 7 अने बीजेपीने 1 सीट मळी हती। कर्नाटकना मुख्यमंत्री सिद्धारमैयाए अनुसूचित जनजाति माटे एक मोटी घोषणा करी छे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैयाए कह्युं छे के कर्नाटक सरकार अनुसूचित जनजातीय कल्याण कार्यो हेतु अलग अलग सचिवालयनी स्थापना करवानो निर्णय कर्यो छे। आ जाहेरात तेमणे वाल्मीकि जयंतीना कार्यक्रममां करी हती। सीएम सिद्धारमैयाए कह्युं हतुं के अमारी सरकारना पाछळना कार्यकाळ दरमियान बेलगामी सत्रमां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिनी वस्ती अनुसार ग्रांट फाळवानो निर्णय कर्यो हतो। आ माटे एससी एसपी और टीएसपी योजना हेठळ वधु नाणा खर्ची शकाय छे। आ योजना हेठळ पहेला फक्त 6,000 करोड़ रूपियानी ग्रांट फाळवामां आवती हती, जेने अमारी सरकारे पाछळना कार्यकाळमां वधारी 30,000 करोड़ रूपिया करी दीधी छे। वर्षो सुधी मुंबईना रस्तानी ओळख बनी गयेल काळी पीळी टेक्सी हवे रस्ता उपर जोवा नहीं मळे। आ टेक्सीनी जग्याए नवा मॉडल धरावती एप आधारित केब सेवा शुरू थशे। 6 दायका सुधी मुंबईनी शान गणाती प्रीमियर पद्मिनी टेक्सी डीजल संचालित डबल डेकर बस ने बंद कर्या पछी रस्ता उपरथी हटावामां आवी रही छे। छेल्ली वखत 29 ऑक्टोबर 2003 में टेक्सीनुं रजिस्ट्रेशन करायुं हतुं। केब माटे 20 वर्षनी मर्यादा छे, तो रविवारे छेल्ली तारीखे चालशे।